स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। नरेंद्र मोदी सेना प्रदेश संगठन मंत्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता का हुआ जगह जगह जोरदार स्वागत। खबर हरिया प्रयागराज से, रिपोर्टर कमलेश गुप्ता द्वारा की गई रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के हरिया विधानसभा के दर्जनों चौराहे पर मोदी सेना संगठन मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत वहीं पर दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने कहा कि मोदी सेना के प्रदेश महामंत्री हैं और आज आप पूर्वांचल हंडिया प्रयागराज सहित कई जगह भ्रमण कर रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि संगठन को मजबूत बनाना और अधिक से अधिक लोगों को इस संगठन में जोड़ना। आगे क्या तैयारी है आप लोगों की? आगे की तैयारी ये है कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव होगा इसमें भाजपा को अधिक से अधिक सीटें दिलाना और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत दिलाना है। तो आज आप पूरे पूर्वांचल का भ्रमण कर रहे हैं, लोग कितना आशीर्वाद प्यार मिल रहा है? बहुत अधिक आशीर्वाद प्यार मिल रहा है और बहुत से लोग हम लोगों के साथ भी हैं और हमारे संगठन से मिलकर के काम भी करने की इच्छा जता रहे हैं। आप पूर्वांचल का भ्रमण कर रहे हैं, 500 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, तो उससे क्या लगता है 2024 विधानसभा लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इस बार भी जो 80 सीटें हैं 80 में हम लोग भी अधिक से अधिक सीटें 75 से अधिक सीटें जीतेंगे। तो दुर्गा ज्योति, जैसे कि अभी आप समाज के बीच जाते हैं तो समाज के तरफ से कई तरह तरह के लोग कमेंट भी करते हैं कि समाज को कुछ भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं आता। दे रहा है धीरे धीरे, इस बार भी राज्यसभा में एक सीटें दिया है, देगा धीरे धीरे करके मिल भी रहा है। अभी है कि सर्वजाति है, सभी लोग हैं और थोड़ा थोड़ा सम्मान सबको देने का प्रयास कर रहे हैं पार्टी लोग, संगठन के लोग। देख रहे हैं कि आप पूर्वांचल का भ्रमण कर रहे हैं और इतनी कड़ाके की धूप है और आपका स्वागत करने के लिए लोग सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है और समाज के लोगों को राजनीति में आकर के समाज की सेवा करनी चाहिए। भाई हमारा समाज तो पूरी तरह से वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मैं नरेंद्र मोदी संगठन में, तो और भी जो हमारे आने से तो और भी जो लोग संगठन नहीं थे काफ़ी अधिक संख्या में इधर भदोही प्रयागराज मिर्ज़ापुर और कौशाम्बी जो भी इधर जिले हैं काफ़ी मजबूत हो गए हैं और इस संगठन से आगे चल के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। नहीं देखा है हंडिया विधानसभा आप जो भ्रमण कर रहे हैं यहाँ पर कम से कम तो 50 ऐसे प्रधान हैं जो आपके काफिले के साथ चल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अन्य पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या खूबी है जो कि आपके साथ टहल रहे हैं? भाई हमने उनको हर संभव हमेशा जो है कि हमने उनके मदद किया है, उनके साथ खड़े रहे हैं, तो जहाँ हम रहेंगे वहाँ निश्चित तौर पर इनका जो भी हमारे प्रधान हैं जो भी हमारे समाज के लोग हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, इसलिए हम उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।